केंद्रीय राज्य मंत्री और मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। लखनऊ में उनके नए घर में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो गई। मरने वाले का नाम विनय श्रीवास्तव है, जो कि मंत्री के बेटे विकास किशोर का घनिष्ठ मित्र बताया जा रहा है। विकास किशोर की पिस्टल से चली गोली विनय श्रीवास्तव के सिर पर लगी। पुलिस ने पिस्टल अपने कब्जे में ले ली है। दूसरी ओर कौशल किशोर का कहना है कि उनका बेटा विकास घटना के वक्त दिल्ली में था। वो अपनी बीमार माँ जया देवी से मिलने गया था। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब कौशल किशोर अपने बेटों की वजह से खबरों में आए हों। इससे पहले भी उनके बेटों को लेकर विवाद उठता रहा है। कौशल किशोर के 4 बच्चे हैं। उनकी पत्नी जया देवी मलिहाबाद से बीजेपी विधायक हैं। 3 साल पहले 19 अक्टूबर 2020 में शराब का लती होने के कारण बेटे आकाश किशोर उर्फ जेवी का लिवर फेल हो गया था। लाख कोशिशों और हर संभव इलाज के बाद भी आकाश को बचा नहीं जा पाया। आकाश को नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा गया था, पर हालत नहीं सुधरी। बेटे की मौत के बाद से कौशल किशोर लगातार हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो मुहिम चला रहे हैं। उनकी विधवा बहू श्वेता हर साल करवा चौथ का व्रत रखती। कौशल किशोर अपील भी कर चुके हैं कि वो अपने बेटे को नशेबाजों के चंगुल से नहीं छुड़ा पाए, लेकिन आप सभी अपने अपने बच्चों को नशे की दुनिया में फंसने से बचा लें। कौशल किशोर ने ट्वीट कर लिखा था, मैंने एक गलती करके अपने नशा करने वाले लड़के की शादी कर दी, जिसकी वजह से आज मेरी बहू विधवा हो गई। अब कोई और लड़की विधवा ना हो, इसलिए अपनी लड़कियों की शादी किसी भी नशा करने वाले व्यक्ति से ना करें, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो, कितने बड़े पद पर हो या कितना ही अमीर क्यों ना। इसके बाद साल 2021 में कौशल किशोर के दूसरे बेटे आयुष किशोर को लेकर खूब विवाद हुआ था। दरअसल आयुष किशोर, जो कि कौशल किशोर के दूसरे नंबर के बेटे हैं, उन पर फायरिंग हुई थी। गोलीबारी में घायल हो गए थे आयुष और उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। मामले की जांच शुरू हुई। जांच में पूरा मामला फर्जी निकला। पुलिस ने कुछ घंटों में साफ कर दिया कि ये फायरिंग फर्जी थी। आयुष ने अपने साले आदर्श से फर्जी फायरिंग करवाई थी। उनके खिलाफ एक थाने में FIR तक दर्ज हो गई थी। पुलिस ने बताया था कि आयुष ने अपने विरोधियों को फंसाने के लिए खुद पर हमले की साजिश रची थी। आयुष ने आदर्श से अपने ऊपर गोली चलवाई थी। इससे पहले आयुष की पत्नी अंकिता ने भी अपने पति और ससुर कौशल किशोर पर गंभीर आरोप लगाए थे। अंकिता ने बताया था कि आयुष ने उनके सामने ही सांसद को यह बताया था कि वो खुद पर गोली चलवाएगा और चंदन गुप्ता समेत दूसरे लोगों को फंसा देगा। ये सब कुछ हुआ पैसे और पावर के चक्कर में। आयुष की पत्नी ने ये तक बताया था कि आयुष का चंदन गुप्ता नाम के किसी बिजनेसमैन से विवाद चलता था। इसके बाद पति आयुष से अंकिता का विवाद हुआ और उन्होंने हाथ की नस काटकर सुसाइड करने की कोशिश की। अंकिता ने हाथ की नस काटने से पहले एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था। पुलिस का कहना था कि आयुष ने अंकिता से लव मैरिज की थी, तब भी कौशल किशोर का नाम खूब सुर्खियों में आया था, क्योंकि पुलिस का ये टेक था कि कौशल किशोर को अंकिता बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन अब कौशल किशोर अपने तीसरे बेटे विकास किशोर की वजह से खबरों में है। हालांकि उनका कहना है कि विकास किशोर अपने दोस्त विनय श्रीवास्तव की हत्या के वक्त उस घर में मौजूद नहीं था। वो उस समय दिल्ली में था और फ्लाइट लेकर वो इस समय वापस आ रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता विनय श्रीवास्तव इस घर में 2017 विधानसभा चुनाव के समय के पहले से ही रह रहे थे। वारदात के समय विनय के साथ घर में 3 और लोग थे। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उससे पहले सुन लेते हैं कि कौशल किशोर ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। फिलहाल इस मामले पर जांच चल रही है। इस खबर से जुड़े अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। कीप वॉचिंग ABP लाइव।